मध्य प्रदेश के सागर में मिड डे मील योजना के संचालन में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील की रोटी हाथ में परोसी जा रही है। छोटे बच्चे रोटी को अपनी गोद में रख कर खाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर मिड डे मील योजना में हो रही लापरवाही की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल मामला सागर के विकास खंड जैसी नगर का है, जहां के तोड़ा तरफदार के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील की रोटी हाथ में दी जाती है, जबकि प्लास्टिक की कटोरी में सब्जी मिलती है। छोटे बच्चे एक साथ दो रोटी हाथ में पकड़कर नहीं खा पाते, वे उन रोटियों को अपनी जांघ पर या फिर गोदी में रख कर खाते हैं। वहीं इस पर प्रशासन ने माना है कि मिड डे मील में लापरवाही बरती जा रही है। देखिए, कल भी आप लोगों से बात हुई थी और मीडिया के माध्यम से वो इशू हम लोग के सामने आया था। आपके यहाँ से जाने के बाद मैं खुद वहाँ पर गई और खुद निरीक्षण किया और वहाँ पे जो स्व सहायता समूह और जो महिला खाना परोस रही थी उसे मैंने रेगुलर जैसे वो परोसती है उसी हिसाब से परोसने के लिए बोला, तो उसमें अनियमितता तो थी। बच्चों को एक तो अपना जो है थाली या फिर बर्तन घर से लाना पड़ रहा है, वो थाली में नहीं दे रही थी, तो उसमें इमीडिएट एक्शन लेते हुए दो स्व सहायता समूह थे वहाँ पे, उनको हटा दिया गया है और आज से वहाँ पे पंचायत खाना सर्व करेगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर सरकारी योजना में लापरवाही क्यों होती है? अगर ऐसी लापरवाही होती भी है तो कार्रवाई के बजाय प्रशासन लीपापोती करने पर क्यों लग जाता है? सागर से न्यूज़ के लिए रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।